नमस्कार दोस्तों, आज वीडियोस की और एक वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने निफ्टी का वन वीक का चार्ट लगाया हुआ है, तो हम वन वीक में पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 17,856 पे, उसका लास्ट फ्राइडे को उसका क्लोजिंग हुआ है करीबन -37 पॉइंट पे उसने क्लोजिंग दिया है। और आप यहाँ पर चेक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसने एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है वन वीक के चार्ट में। अगर फ्रेंड्स सोमवार को नेक्स्ट वीक में इसके हाई को ब्रेक करेगा, यानी 17,916 उसका हाई है, और उसके क्लोज करेगा, तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 18,100 और 18,200 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 वन वीक में। और अगर फ्रेंड्स उसके लो को भी ब्रेक करता है अगर 17,655 हो, तो उसका टारगेट आ सकता है 17,500-17,400 के करीब जा सकता है वन वीक के चार्ट के अंदर फ्रेंड्स निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में हम एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ है फ्रेंड्स लास्ट फ्राइडे और लास्ट थर्सडे को। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि थर्सडे को मैंने 9 फरवरी को ये उसने एक बहुत ही बढ़िया एक कैंडल बनाया था, और उस कैंडल के बेस पे मैंने 18,100 का कॉल लेके गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे को वो गैप ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एसजीएक्स निफ्टी और डाउ जोन्स फ्राइडे को नेगेटिव में क्लोज हुआ था, इसके वजह से हमारा मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन अभी भी मेरा पोजीशन वो पड़ा हुआ है, लेकिन 50% वो लॉस में भी चल रहा है, लेकिन मुझे पूरी खातरी है कि आने वाले वीक में वो पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में भी उसने एक इनसाइड पैटर्न ही बनाया हुआ है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में अगर वो 17,880 के ऊपर क्लोज करेगा, तो उसका टारगेट 17,970 और 18,100 और 18,200 के करीब जा सकता है फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में। जो वन वीक के लेवल जो आ रहा है वन वीक में, वही लेवल फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में भी आ रहा है। तो लगातार आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो निफ्टी यहाँ पे घूम रहा है, यानी 17,900 से लेके फ्रेंड्स 17,700 के बीच में। ओके, तो आने वाले वीक में इसका ब्रेकआउट होना चाहिए अपसाइड या डाउन साइड में। और अगर फ्रेंड्स मैं और ये बता दूँ आपको कि अगर हम सोमवार के लिए देखते हैं फ्रेंड्स लेवल इंट्राडे के लिए, तो क्या आएगा। इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि एसजीएस निफ्टी ने 6 पॉइंट प्लस यानी मामूली सी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। यूएस 30 ने 143 पॉइंट क्लोज दिया है, डाउ जोन्स 180 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दिया है। लेकिन सोमवार को अगर एसजीएस निफ्टी पे ग्रीन में ओपन होता है, तो हमारा मार्केट भी ग्रीन में ओपन हो सकता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में 50 मिनट के चार्ट में सोमवार को क्या हो सकता है। फ्रेंड्स इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चैनल को या इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो कृपया करके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है निफ्टी 50 में। तो हम हर बार की तरह नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ड्रॉ किया है नो ट्रेडिंग जोन, ये रेक्टेंगल वाला जो है उसका लेवल मैं आपको बता दूँ 17,865 से लेके 17,824। अगर इस जोन में फ्रेंड्स ओपन होता है निफ्टी इसी जोन में, उसके बाद अगर फ्रेंड्स अपसाइड में 17,865 को ब्रेक करेगा, तो हमारा पहला टारगेट आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी 17,890, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 17,900। ओके फ्रेंड्स अपसाइड में, और अगर फ्रेंड्स 17,900 के ऊपर भी जाएगा, तो उसका टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 17,970 ये वाला। ओके फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स 17,824 को ब्रेक करता है, यानी 17,800 को ब्रेक करेगा, 17,800 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसका 5-10 मिनट वो नीचे टिकेगा, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 17,750, दूसरा टारगेट आ सकता है 17,722, और तीसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 17,680। ये तीन टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी 50 में सोमवार को डाउन की साइड में। अपसाइड और डाउन की साइड में मैंने आपको लेवल प्रोवाइड कर दिया फ्रेंड्स। अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स के निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। तो फ्रेंड्स ये स्क्रीन पे मैंने बैंक निफ्टी का वन वीक का चार्ट लगाया हुआ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने निफ्टी में भी देखा कि निफ्टी में भी फ्रेंड्स
वन वीक के चार्ट में इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ है, वैसे ही सेम फ्रेंड्स निफ्टी निफ्टी बैंक में भी उन्होंने इनसाइड पैटर्न बनाया हुआ है और उस पैटर्न का हाई है फ्रेंड्स 41,792 का उसने हाई मारा है फ्रेंड्स वन वीक में। और अगर फ्रेंड्स 41,800 के ऊपर क्लोज मिलता है वन वीक में तो उसका टारगेट आ सकता है 42,000, सेकंड टारगेट आ सकता है 42,600 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 42,900 तक जा सकता है वन वीक के आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर वो अपसाइड में क्लोज देता है वन डे के चार्ट में। और अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में अगर 41,100 के नीचे क्लोज आता है तो उसका टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 40,400 और दूसरा टारगेट आ सकता है 39,800। ये हो गया फ्रेंड्स वन वीक का एनालिसिस बैंक निफ्टी में। तो अभी हम देख लेते हैं कि डेली चार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि डेली चार्ट में वो काफ़ी 6 सेशन से वो 41,070 से लेके 41,770 पे वो अभी घूम रहा है, यानी वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही वो आके क्लोज होता है। हो सकता है अगर फ्रेंड्स सोमवार को या मंगलवार को इस जोन के ऊपर वो क्लोज करेगा तो उसका टारगेट आ सकता है 42,000 और उसके बाद का टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 42,600, क्योंकि ये 42,000 के ऊपर क्लोज होने में कमिट हो जाता है तो बहुत ही फास्ट मूव मिलेगा उसको 42,400 और 42,600 के जाने के लिए वन डे के चार्ट में। और अगर बाई चांस वो डाउन की साइड में ब्रेक करता है 41,250 तो उसका टारगेट आ सकता है 41,100 और दूसरा टारगेट आ सकता है 40,850। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सोमवार को निफ्टी बैंक में क्या होगा फ्रेंड्स इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट की चार्ट में। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 41,560 के करीब उसने क्लोजिंग मारा है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या होगा फ्रेंड्स। ये लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी में क्या ताकि हमारा टाइम सेव हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन ये जा रहा है और अप साइड से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है और डाउन की साइड में यहाँ से ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है। तो मैंने नो ट्रेडिंग जोन ड्रो किया है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में जिसका लेवल आएगा फ्रेंड्स 41,620 से लेके 41,490। अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है सोमवार को उसके बाद फ्रेंड्स अपसाइड में 41,620 ब्रेक करेगा और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा फ्रेंड्स तो हमारा टारगेट आ सकता है पहला 41,680, दूसरा टारगेट आ सकता है 41,750 और फ्रेंड्स डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स 41,490 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स 41,400, दूसरा टारगेट आ सकता है 41,370 और तीसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 41,265। ये डाउन की साइड में 3 टारगेट है और अपसाइड में फ्रेंड्स 2 टारगेट मैंने दिया है 41,620 ब्रेक करेगा तो 41,080 तक जाएगा और 41,780 ब्रेक करेगा तो अपसाइड में 41,900 तक भी जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी 15 मिनट की चार्ट में। फ्रेंड्स मैं ये आपको एक बता दूँ कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी टाइप की कैंडल आती है उस पूरी कैंडल के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एवरी वीक एक वीडियो डालूँगा फ्रेंड्स जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे। तो कृपा करके वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।